धनबाद जोगता थाना परिसर में बुधवार को मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में मुहर्रम का त्योहार मिलजुल कर भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण मनाने का सभी ने निर्णय लिया। बैठक में शामिल शांति समिति सदस्यों ने कहा कि अखाड़ा निकालने के संबंध में सरकार की ओर से जारी की गई है गाइडलाइन का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए। बैठक का संचालन शकील अहमद ने किया। स्वर्ण रानी से धनबाद से न्यूज टीम की रिपोर्ट। परिसर में मुहर्रम त्यौहार को लेकर एक शांति समिति का बैठक रखा गया, जिसमें शांति समिति के सभी सदस्यगण शामिल हुए और हम लोगों ने त्यौहार कैसे शांतिपूर्वक मनाया जाए इस पर चर्चा किया है। सर, कितने अखाड़ा कमेटी आपके यहाँ? हमारे यहाँ 9 अखाड़ा कमेटी है। सर, हुड़दंगियों पर किस तरह नजर आएगी आप? हुड़दंगियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई बाधा या किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस करना चाहता है तो हम लोग उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। सरकार की क्या गाइडलाइन आई है सर? सरकार की गाइडलाइन पूर्ववर्त है, जिसमें डीजे वगैरह को लेकर जो निर्देश दिए गए थे उसी पे हम लोगों को फोकस करना है। इसके अलावा क्या क्या सर गाइडलाइन है? तो कोविड का अभी समय नहीं है, तो जो पहले का जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी किया गया उसी पे हम लोगों को फोकस करना है। जो अखाड़ा खेल होता है सर, उसमें क्या पाबंदियाँ वगैरह है? उसमें पाबंदियाँ इस तरह का तो अभी कोई निर्देश नहीं है। अभी बोले आग का खेल में पाबंदी, आग का जो खेल है उस पर नियंत्रण रखने के लिए हम लोग के द्वारा बताया गया है। वो जो परिपाटी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है, उसमें लोग चोटिल भी हो सकता है, जानमाल का नुकसान है, इसको लेकर हम लोग उस पर सावधानी बरतना है सर कि खेलना नहीं है उसको? बरतना है, सावधानी बरतना है, प्रयास करना है कि वो खेलना ही हो।